तो 25 साल से आप ब्रह्मचारी रहे और इस्कॉन के नेता भी हो, तो आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, हम सब जीवों को खुश करना चाहते हैं। देखिए, रामायण पढ़ते समय हमें पता चलता है, रामायण में दो लोग थे जो सीता के पास गए, एक था रावण, दूसरा था हनुमान। रावण गया सीता के पास सीता को अपहरण करके लेके जाने के लिए, एक भोग वृत्ति के साथ गया वो, और हनुमान गया उधर अशोक वाटिका में सीता माता के पास भगवान रामचंद्र, प्रभु रामचंद्र जी एक संदेश को पहुंचाने के लिए और सीता माता की सेवा करने के लिए। तो ये दुनिया में ये दो प्रवृत्तियां होते हैं, एक भोग वृत्ति है, एक सेवा वृत्ति है। इस दुनिया में भोग वृत्ति के कारण सब जीव तड़प रहे हैं। जैसे हमारे एक फोड़ा हो, अगर वो फोड़ा के कारण हमें दर्द होता है, इस तरह दुनिया में भोग से रोग होता है। दुनिया में एक बार हमारा रथ यात्रा हुआ, उधर एक भक्त था, वो किचन में गया, देखा बड़ा हलवा पड़ा था, इतना हलवा खाते थे, थोड़ा थोड़ा खाते रहा, तो इतना ज़्यादा खा लिया कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। तो भक्त लोग आए, देखा कि सांस भी ठीक से नहीं आ रहा, तो उसको लेके गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने पूछा उनको, आपको जिंदा चाहिए क्या ये आदमी? बोला, वो जिंदा चाहिए इसलिए तो आपके पास आए हैं, ऐसे बोला उन्होंने। डॉक्टर ने बोला कि इसने इतना खा लिया, ब्लड का खा लिया इसने, दवा डालने के लिए भी जगह नहीं है अंदर, इसलिए उसको ऑपरेशन करके वो पूरा हलवा को निकाला उसका अंदर से। ये क्यों बोला मैंने आपको, ये खाने का भोग है। इस तरह दुनिया में विविध तरह के भोग में जीव फंसा है, और इस भोग के कारण क्या क्या इस दुनिया में काम क्रोध लोभ, ये तीन बड़े व्याधि हैं जीव के। इसके कारण हम सब लोग इस दुनिया में रोग के कारण एक दूसरे को क्लेश दे रहे हैं सब लोग, जैसे मच्छर हमको काट कर खून पीता है, इस तरह जीव भी एक दूसरे को तकलीफ देते हैं। लेकिन इसके एक गम विरुद्ध है सेवावृत्ति। सेवावृत्ति का मतलब है, जैसे परलोक में वैकुंठ लोक में बताया गया कि जीव कैसे जीते हैं, न क्रोधो न समात्सर्यो न लोभो न शुभामति भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे। भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, वो अनावश्यक क्रोध नहीं पकड़ करते हैं, मत्सरता नहीं पकड़ करते हैं, लोभ नहीं पकड़ करते हैं, और उनके चित्त में किसी भी जीव के लिए अशुभ भावनाएं नहीं रहता है, वो भगवत कैंकर्य में डूबे रहते हैं, सब जीवों को सुख शांति आनंद प्रदान करते हैं। तो इस तरह भोग वृत्ति और सेवा वृत्ति, ये दोनों में सेवा वृत्ति जागृत होता है भगवान के सेवकों को। इसलिए हम लोग दुनिया में जाकर लोगों को सिखाते हैं कि अब स्वार्थ भावना को छोड़कर अब निस्वार्थ बनो, काम क्रोध लोभ इत्यादि को छोड़कर अब प्रेम को जगाओ, और सिर्फ अपने परिवार को अपना मानने के बदले अब सब सारे दुनिया के जीवों को अपने भाई बहन के रूप में मानो, और जो प्रभु जो सब कुछ प्रदान करते हैं उनके उनके सामने जाकर कृतज्ञता, इस तरह शांति से जियो और उस शांति को फैलाओ, हृदय में काम को खत्म करके प्रेम को जगाओ। ये संदेश हम लेकर जाते हैं लोगों को, और हमारी अपेक्षा है जिस तरह हम परमानंद के अनुभव कर रहे हैं हमारी गुरु परंपरा और आचार्यगण और भगवान की कृपा से, उसी आनंद को सब जीव प्राप्त करके वो भी खुश हो जाए, यही हमारी अपेक्षा है। हरे कृष्ण।